हे गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा और आज मैं आपके सामने एक सीआरपीसी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। आजकल हमारी इंटर्नशिप भी चल रही है, बहुत लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो जो लोग क्रिमिनल में कर रहे हैं बेसिकली, है ना, तो मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकूँ तो मैंने एक वीडियो बनाई है सीआरपीसी से रिलेटेड। आप लोग फाइलें तो पढ़ रहे होंगे जो आपको लॉयर एडवोकेट आपको दे रहे होंगे, तो आप एक चीज़ देखते होंगे उस फाइल में कि आप जब पेज पलटते हो तो आपको सेक्शंस मिलते हैं सीआरपीसी से रिलेटेड। पहला आपको सबसे जो मोस्ट कॉमन मिलता है वो तो एफआईआर मिलता ही है। दो तीन पन्ने पलटती है आपको एक एफआईआर दिखती होगी, सेक्शन 154 एक डॉक्यूमेंट होता है। और ऐसे काफ़ी ऐसे सेक्शंस हैं सीआरपीसी से रिलेटेड जो हमें दिखने को मिलते होंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत शुद्ध हिंदी होती है ना, तो हम समझ नहीं पाते कि यार क्या कहना चाह रहा है, ये सेक्शन आखिर किससे रिलेटेड है। जैसे अग्रिम निवेदन है ना, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, तो वो भी एक सेक्शन है सीआरपीसी का, तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने हमें एक वीडियो बनाने को बोला था कि आपने जो जो पढ़ा जो जो समझा फाइल से आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बनानी है तो यार अगर हेल्प हो सके दूसरों को भी तो क्यों ना बनाई जाए एक अच्छी सी। तो मैंने एक टॉपिक उठाया है सीआरपीसी रिलेटेड, हाउ टू सेट क्रिमिनल मशीनरी इनटू मोशन, कि क्रिमिनल मशीनरी मोशन में कैसी लाया जाए। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई एक इंसिडेंस देखा, आपने एक इंसिडेंस देखा जिसमें मान लीजिए किसी का मर्डर हो रहा था, आप जा रहे थे, आपने देखा यार दो लोग लड़ रहे हैं और किसी का मर्डर हो रहा है ना, तो आपने देखा। तो अब आप क्या करोगे, आपने देख तो लिया, आप चाहते हो कि वो जो इंसान है वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप क्या करोगे। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप रिपोर्ट टू द पुलिस करें, जाएं आप पुलिस थाना और रिपोर्ट करें कि भैया ये हुआ है और प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करें, ये आपने पूरा बताया कि एक आदमी तो मार रहा था। अगर पुलिस मना कर देती है बाय चांस कि मना कर दे कि हम सर ये रिपोर्ट लेंगे ही, तो क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप एक फाइल कंप्लेन फाइल कर सकते हो और उसको आप मैजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, या तो पुलिस के पास जाओ या फिर मैजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेन लिखो अगर पुलिस मना कर देती है। तो पहले हम पुलिस का समझते हैं कि पुलिस का क्या सीन है। पुलिस का ये सीन होता है कि आपने कोई इंसिडेंट देखा, आप पुलिस के पास गए तो आप एक एफआईआर दर्ज करवाते हो जिसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में आता है ना। तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में आप एफआईआर दर्ज करवाते हो, लेकिन सिचुएशन कंडीशन ये है कि ऐसे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ऑफेंस क्या होना चाहिए, शुड बी कॉग्निजिबल। अगर कॉग्निजिबल ही ऑफेंस है तो ही पुलिस बाउंड है आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए, वरना वो मना कर देगी, सिंपल रिजेक्शन। अब कॉग्निजिबल क्या होता है, कॉग्निजिबल क्या होता है कि पुलिस को एक पावर मिलती है कि वो किसी भी इंसान को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, मतलब विदाउट परमिशन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर सकती है। और ये कुछ ही ऑफेंस, कुछ ऑफेंस होते हैं ऐसे जिसमें पुलिस को पावर दी जा सकती है जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, तो वो उन्हें कहते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस, वो कॉग्निजिबल ऑफेंस कहलाते हैं जिसमें पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अगर वो ऑफेंस कॉग्निजिबल है तो ही पुलिस बाउंड है आपकी एफआईआर लिखने के लिए, अगर कॉग्निजिबल नहीं है तो मना कर देगी कि भैया हम नहीं लिख सकते एफआईआर। तो अब मना कर दिया तो अब क्या, अब कुछ तो करना है भैया, मैंने तो साफ साफ देखा है कि वो मार रहा था, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर पुलिस को नहीं लग रहा है कि वो कॉग्निजिबल नहीं है मेरे कहने पर, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंप्लेंट ड्राफ्ट करूँगा और मैजिस्ट्रेट के पास चले जाऊँगा, ठीक है। अब अगर मैजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट पढ़ी, उसको लगता है कि भैया ये वाकई कॉग्निजिबल ऑफेंस है, सही में मतलब वो मार रहा था, उसको कुछ भी हो रहा था, इंसिडेंस वो इंसिडेंस कॉग्निजिबल ऑफेंस में आ रहा है, तो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट पावर के पास एक पावर होती है टू ऑर्डर द पुलिस टू राइट एफआईआर। अगर उसको लगता है कि ये एफआईआर अगर ये कॉग्निजिबल ऑफेंस में आ रहा है तो वो ऑर्डर करेगा पुलिस को टू राइट एन एफआईआर। अब पुलिस बाउंड है, अब उसे लिखना पड़ेगा, भले उसको लग रहा है लग नहीं रहा है कि नहीं है सर, लेकिन अब वो बाउंड है, मैजिस्ट्रेट को पता चल लग चुका है, ये एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी क्योंकि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ठीक है। तो 156 क्लॉज 3 में कहता है मैजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू ऑर्डर द पुलिस टू राइट एफआईआर इफ पुलिस रिजेक्ट्स इट, ठीक है। अब एफआईआर दर्ज हो गई, अब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या क्या पता करेगी, विटनेसेस मतलब बुलाएगी उनको, उनका एग्जामिनेशन करेगी, वो हम अच्छे से समझेंगे, उसके भी अलग सेक्शंस हैं तो हम अलग से कवर करेंगे वो चीज़ें कि कैसे एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का,
है ना, क्या क्या पूछताछी होती है, कौन किसको बुला सकता है, तो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जो रिपोर्ट बनाई, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस ने एक रिपोर्ट बना दी और पुलिस ने मान लो चार्जेस फ्रेम कर दिए कि भैया ये चार्ज लग रहा है जो जो हमने समझा है कि जैसे मर्डर का लग रहा है या फिर कुछ कोई भी सेक्शन लगा सकता है वो, मतलब जो उन्हें लग रहा है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली, ठीक है, एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई। अब वो रिपोर्ट क्या होगी, वो जाएगी सीधे मैजिस्ट्रेट के पास, वो रिपोर्ट जाएगी सीधे मैजिस्ट्रेट के पास। तो वो क्या कहता है, सेक्शन 157 कहता है, सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, द रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस अबाउट द केस हैज टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट। मतलब एक कंडीशन है कि हैज टू बी सेंट, भेजना चाहिए आपको, अगर आपने नहीं भेजा तो आपने इसका वायलेशन किया है, ठीक है। अब सेक्शन 173 क्लॉज 2 क्या कहता है, वो ये कहता है कि पुलिस सेंड अ रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट, मतलब जो रिपोर्ट जा रही है वो 173 क्लॉज 2 के तहत जाएगी, सेक्शन 173 क्लॉज 2 के तहत जाएगी वो रिपोर्ट। और ये क्या कहता है, हैज टू बी सेंड, मतलब कंडीशन है कि अगर रिपोर्ट बना के आपको मैजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा, और भेज किसके थ्रू रहे हैं, 173 क्लॉज 2 के तहत, ठीक है। अब ये रिपोर्ट बन गई, भेजने भी वाले हैं, लेकिन किसके हाथों भिजवाए, ये क्वेश्चन उठता है, ये रिपोर्ट किसके हाथों है, बहुत मतलब बहुत वो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके हाथों में, चपरासी के हाथों तो नहीं भिजवा सकती कि भाई साहब दिया दौड़ते हुए मैजिस्ट्रेट के यहाँ, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या होता है, बेसिकली एक सुपीरियर ऑफिसर होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कि आप स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सुपीरियर ऑफिसर को, जिसके थ्रू ये फाइनल रिपोर्ट जाती है मैजिस्ट्रेट के पास। तो रिपोर्ट जो जाएगी वो किसके तहत जाएगी, सेक्शन 158 ऑफ सीआरपीसी, कि द रिपोर्ट हैज टू बी सेंड बाय सुपीरियर ऑफिसर दैट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट ने सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट किया है उसी के थ्रू ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आया। ऑफ ये 173 क्लॉज 2 के तहत ये रिपोर्ट चली जाएगी, ठीक है, किसके थ्रू जाएगी, एक सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जो 158 में दिया है, ओके, तो इतना समझ में आया। अब एक और चीज है, 173 क्लॉज 2 का बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अब रिपोर्ट पहुंच गई मैजिस्ट्रेट के पास, अब रिपोर्ट पढ़ेगा मैजिस्ट्रेट, देखेगा कि भाई क्या क्या है, क्या चार्जेस लगे हैं, क्या पुलिस ने देखा, क्या पुलिस ने पाया, क्या पुलिस ने चार्जेस लगाए। आपको बता दूं कि जो पुलिस अगर चार्ज लगाती है तो वैलिड नहीं माना जाता, अल्टीमेट अथॉरिटी मैजिस्ट्रेट की होती है टू फ्रेम द चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं हम बाद में समझेंगे अगले वीडियो में, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो वो हम अगली चीज़ समझेंगे, उसमें 173 क्लॉज 2 को भी अच्छे से समझेंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए कि पुलिस सेंड द रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, किसके थ्रू जाएगा, 173 क्लॉज 2 के तहत, और कंडीशन किसमें दी, 157 में, ठीक है, 154 FIR, 156 क्लॉज 3 अगर FIR रिजेक्ट हो गई तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है पुलिस को टू राइट इन FIR, ठीक है, 157 बननी चाहिए रिपोर्ट, 158 सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जाएगी, और 173 क्लॉज 2 जो रिपोर्ट जारी है उसका सेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारा एक चैनल है ले एमिकस करके, ये चैनल बहुत सोच समझ के नाम से बनाया है, ये बहुत अलग नाम है, ले एमिकस मतलब लॉ इज अ फ्रेंड, तो बाकी लॉ हमारा एक दोस्त है, अगर हम उसे सही से समझें, प्यार से समझें और मन लगा के समझें, तो लॉ इज अ फ्रेंड ले एमिकस हमारा चैनल है जिसमें हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आपको वाकई अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।